अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रोमाना और आज का जो व्लॉग है वो है, मतलब मैं जा रही हूँ गाँव अपनी अम्मी और आंटी के साथ। मैं अम्मी, आंटी और जैन, तो उसी की पैकिंग चल रही है। तो मैं अपनी बैग पैक कर रही हूँ, यहाँ पे जैन के कपड़े मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि हम लोग किस तरीके से सफ़र करते हैं, हम लोग का गाँव कहाँ पर है। तो मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ कि मुंबई से चिपलुन तक किस तरीके से मैं सफ़र करती हूँ। ये व्लॉग उसी के लिए है। मुंबई से चिपलुन और चिपलुन से अलोरे तक मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं जाने वाली हूँ ट्रेन से, और फिर उसके चिपलुन के आगे मैं किससे जाने वाली हूँ, वो सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मैं जाने वाली हूँ अपनी बहन के यहाँ पे, जो मेरी बड़ी दीदी है, मतलब आपा से छोटी और मुझसे बड़ी, उनके घर पर हम लोग जाने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग के एंड तक। फटाफट से पैकिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ जब मैं घर से निकलूंगी तभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी बैग पैक हो चुकी है, सब रेडी है यहाँ पे। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैं घर से निकलते वक्त शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग को थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ट्रेन में ही शूट कर रही हूँ। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेन में बैठे हैं। ये है जैन और आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है, ये कितना प्यारा नज़ारा है। और ट्रेन में बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा रश थी, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये विनेरे स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन जो है वो क्रॉसिंग के लिए रुकी हुई थी। और अभी जो है हमारी ट्रेन चल पड़ी है। क्राउड की वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई फ्रेंड्स। और अभी हम लोग उतर चुके हैं, यह है चिपलुन स्टेशन। हम लोग की ट्रेन का जो है इंजन ख़राब हो चुका था, 2 घंटे क्रॉसिंग के लिए ट्रेन रुकी हुई थी। फाइनली पहुंच गए चिपलुन स्टेशन, अब इसके आगे चलते हैं। देन कैसा लग रहा है गांव में आके? अच्छा लग रहा है। देन कैसा लग रहा है? ओके ओके। किससे आए जैन? ट्रेन से आए। यहाँ पे तो देखो, ओ थक गया मेरा बेटा। ट्रेन को बाय नहीं किए? ट्रेन बाय बाय, चली गई ट्रेन, गई बाय बाय, चलो। हाँ, और ट्रेन भी है। हाँ चलो चलो चलो। हाँ डॉगी, हाँ डॉगी भी है, चलो। हाँ आओ चलो। हाँ कौन है? डॉगी और कैट। चलो आओ। ए भागो मत, भागो मत, जैन गिरोगे, भागो मत। फ्रेंड्स, ये है चिपलुन स्टेशन और ये दूसरी ट्रेन लगी है। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम लोग चिपलुन स्टेशन के बाहर। तो ये चिपलुन स्टेशन के बाहर का नज़ारा है, यहाँ पे ऑटो स्टैंड है। और अब हम लोग ने यहाँ से किए ऑटो, और ऑटो से हम लोग जाएंगे बहादुर शेख नाके पे, और वहाँ से जो है हम लोग मैजिक से जाएंगे अलोरे में। आप लोग जो है बस वगैरह से भी जा सकते हैं, पर मुझे जो है ST नहीं जमती है, इसलिए हम लोग जो है मैजिक से जाएंगे। और यहाँ पे रोड कितनी साफ़ है ना। ओ शिट फ्रेंड्स, इतना ट्रैफिक था ना वहाँ पर, पूछो मत। पता नहीं यार क्या हो रहा था हम लोग के साथ, इतना ट्रैफिक था। वो भैया ने कैसे कैसे ऑटो निकाले वहाँ से, उनका उनको ही खबर है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हम लोग फंसे थे, पर हम लोग ये ऑटो थी इसलिए हम लोग जल्दी से निकल गए वहाँ से। एक्चुअली वहाँ पर जो है ना वो कुछ काम चल रहा था रोड पे, तो इसलिए ट्रैफिक बहुत थी वहाँ पे। देख सकते हो कितने ज़्यादा ट्रैफिक है, आधे घंटे से ऊपर हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे। आधे घंटे के बाद जैसे तैसे वो भैया ने ऑटो निकाले, एंड देन फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। और ये कितना प्यारा सीन है ना, देख सकते हो। हाय, और फिर से ट्रैफिक, आप देख सकते हो कितनी ट्रैफिक है। यहाँ पर हम लोग मैजिक के लिए रुके हैं। और फ्रेंड्स, बहुत देर हो चुकी थी, हम लोग को अंधेरा हो चुका था,
तो मैंने जो है डायरेक्ट मैजिक के अंदर का ही शूट किया। ये मैजिक है, इसमें हम लोग बैठे हैं और हम लोग जा रहे हैं अलोरे। भाद्रशिक नाके से अलोरे गांव जो है वो 15 से 20 मिनट की दूरी पे है। तो ये है मैजिक, इसको बोलते हैं वराप और डमडम भी बोलते हैं, और बाकी क्या बोलते हैं अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताना। और ये कितना प्यारा सीन है ना, मस्त ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं मैजिक, इस तरीके से होती है ये मैजिक। इसके पीछे जो है ऐसे ओपन रहता है, यहाँ पर 2 जन बैठ सकते हैं और आगे यहाँ पे 8 जन बैठते हैं और उसके आगे 2 जन। तो ये जा रही है मैजिक और ये आ चुका है अलोरे गांव। मैजिक जो है वो बाहर ही छोड़ती है, अंदर तक नहीं जाती है। यहाँ से 5 मिनट जाएंगे मेरी बहन के घर पे जाने के लिए और आ गया उसका घर। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे मिलजुलने के बाद फिर यहाँ पर हम लोगों ने पिए चाय बिस्किट, मेरी काली चाय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नहाना दोनों हो चुका है और यहाँ पर हम लोगों ने लाए हैं अपने दीदी के लिए नाश्ता। तो ये है मेथी के लड्डू और ये है खजूरी। तो ये अब हम लोग उनको देंगे। और मैंने मेहंदी भी लगाई थी, तो कैसी लग रही मेरी मेहंदी। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिया नाश्ता अपनी बहन को और यहाँ पर चावल के आटे की रोटी बन रही है, तो उसके लिए आटा जो है गूंद कर रखा हुआ था। रोटी जो है वो चूल्हे पे बनने वाली है, तो यहाँ पर जो है मेरी दी चूल्हे को जला रही थी और यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत मस्ती कर रही थी, मस्ती नहीं काम ही कर रही थी, चूल्हे ही जला रही थी। पर जो है हमारी चूल जल चुकी है, अब इस पर हम लोग रखेंगे तवा गर्म होने के लिए। गाँव में आओ और चूल्हे पे का खाना ना खाओ तो फिर क्या मज़ा। ये देखो चौकी बेलन, चौकी का साइज तो देखो ज़रा। उनके यहाँ पर है ना एक ऐसा स्पेस है, एक जगह है जहाँ पर ये चूल वगैरह बनाई हुई है, आराम से बैठकर यहाँ पर जो है रोटी वगैरह बना सकते हैं, खाना पीना बना सकते हैं। आपको चाहिए तो इसका फुल वीडियो मैं दूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। पर जो है आटा भी गूंद लिया हम लोग ने, चौकी बेलन भी तैयार है। यहाँ पे पानी लिए क्योंकि ये चावल की रोटी है, चावल की रोटी में थोड़ा थोड़ा सा पानी लगता है। और यहाँ पे तवा भी गर्म करने रखे, तो चलो अब बनाते हैं चावल की रोटी। देखो कैसे मस्त से पानी से हाथ को भिगाने का और आटे को मस्त गूंदने का। आज जो है नानी रोटी नहीं बना रहे, मेरी बहन बना रही है, मतलब मेरी बड़ी दीदी, आपा से छोटी है ये, उसको हम लोग बेबी बोलते हैं। खुश्क आटा ज़्यादा नहीं लगाएंगे, खुश्क आटा थोड़ा सा लगाएंगे, उसको फिर बेल कर लेंगे। मेरी दी जो है वो बेलन से बेल रहे हैं, नहीं तो ये जो चावल की रोटी है वो रियल में हाथ से बनाई जाती है। दीदी को नहीं आ रही है, दीदी को नहीं आती है, नानी को आती है, उसकी जो सास है उनको आती है। तो किसी दिन इंशाल्लाह वो जब बनाएंगे तो शूट करके आपको बताऊंगी। देखो कितनी मस्त एकदम गोल गोल सी आई है, आप देख सकते हो उसके जो साइड है वो फट भी नहीं रहा है, एकदम परफेक्ट आई है। जैसे हम लोग की गेहूँ की रोटी आती है, ऐसी किसी की आती नहीं है जिनको मतलब अच्छे से एकदम बनाने आता हो और जिनका आटा जो है वो अच्छे से गुना हुआ हो, तो ही ऐसी रोटी आती है। इसके लिए आटे को अच्छे से गूंदना चाहिए, देख सकते हो, तो आप देख सकते हो, देख सकते हो एकदम परफेक्ट चावल की रोटी बनकर रेडी है। अब इसको डालेंगे तवे पे, तवा जो है गर्म हो चुका है अच्छे से। अब जो इसकी साइड चेंज करेंगे, टाइम हुआ है सब लोगों ने देख लिया। जैन ये कौन है? लाला। लाला नहीं, आपके बाजू में कौन है? आयशु। आयशु ये है हमारी प्रिंसेस आयशा, मेरी बहन की बेटी यानी मेरी भांजी। आयशु ये अमायरा से छोटी है और अरम से बड़ी है। आयशु कैसे करिए, हाय हाय। और एक बार इसकी साइड को चेंज करेंगे।
हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाएंगे। देख रहे हो किस तरीके से फूल रही है रोटियां। तो यहाँ पर रेडी है चूल्हे पे की रोटी, यानी कि चावल के आटे की रोटी, मस्त फुली फुली सी आप देख सकते हो। तो अब जल्दी से इसको निकाल लेते हैं, कहीं हमारी रोटी जल ना जाए। मस्त ना चावल की रोटी बने और उसके साथ मटन का सालन ना हो, फिर क्या मज़ा। तो यहाँ पर हम लोग मटन का सालन बना रहे हैं, जिसके लिए हम लोग ने प्याज काट कर उसको भूनने के लिए रखे हैं कुकर में, हम लोग बना रहे हैं। टोमेटो भी कट करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे मटन का सालन बनकर रेडी है गर्मा गर्म। आप देख सकते हो क्या तेल छूटा है ना, मस्त एकदम। मुँह में पानी आ गया ना आपके भी। बताती हूँ आपको मटन किस तरीके से टेंडर हुआ है, आप देख सकते हो। मस्त ना, यम यम, माशाल्लाह क्या तेल छूटा है, आप देख सकते हो। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या दिख रहा है ना, मस्त ना। अब इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे हम लोग। और फ्रेंड्स ये है मेरे खाने की प्लेट। तो आइए देखते हैं मेरे डिनर में आज क्या क्या है। तो यहाँ पर है मटन का सालन, माशाल्लाह आप देख सकते हो, और उसी के साथ मेथी की भाजी जिसमें कि दाल डालकर बनाई हुई है, दाल वाली भाजी। और ये रोटियाँ, चावल के आटे की रोटी, और उसी के साथ कैरी। तो फ्रेंड्स आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और अब मैं यहाँ पर ही अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।